पिज्जा वाले बेस पे हाँ जरा चाकू से बराबर से काट लेंगे, लेकिन उंगलियां नहीं कटनी चाहिए, ठीक है? इसका जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद कलाइयां बना लेंगे, ठीक है? फिर जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको आराम से निकालेंगे, उसका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए हाथ का, ठीक है? फिर छुआरा लेके नाखूनों को जगह रख देंगे पांचों उंगलियों में। अब बनाएंगे कढ़ाई वाला बसलेट। इसकी लोई लेके टिक्की बना लेंगे, उसको चाकू से काट लेंगे दिल के आकार का, फिर इसको रख देंगे और इसको बेक कर देंगे। पिज्जा वाला हाथ तैयार।